हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स माय एकेडमी। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर क्लासेस ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट हम लोग फोर्थ लेक्चर में बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखे हैं कि कैसे सिंपल क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। आज के क्लास में हम लोग थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड अच्छे से लेक्चर्स ये वाला आप देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन मैटर करेगा। अब देखिए, आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला हुआ था, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको रिकॉल करते हैं। जैसे कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर 2 से छोटा है, इफ़ मॉड एक्स इज लेस देन 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या बताएंगे आप। तो क्या होता था तरीका हमारा, कुछ ऐसा होता था कि अगर 2 है तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, यहाँ पर आप +2 लिखेंगे, और फिर लेस देन का साइन है तो 2 से लेस, मतलब इसके बीच में होता था वैल्यू। तो आंसर क्या बताते थे आप, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और अगर यही चीज़ ऐसे हो जाता, मॉड x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा कहना होता, तो फिर क्या करते थे हम लोग, इस तरह से नंबर लाइन प्लॉट करते थे, यहाँ -2 लिखते थे, यहाँ +2 लिखते थे। ग्रेटर का साइन है ना, तो ग्रेटर के साइन में क्या होता है, 2 से ग्रेटर जाना पड़ेगा आपको। तो 2 से ग्रेटर जाने का मतलब हो गया कि इधर साइड जाना पड़ेगा और फिर इधर साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाता है इसका, आप इसका आंसर कैसे लिखते हैं, यू हैव टू ऑप्शन टू राइट द आंसर। पहला तो होता है x बिलोंग्स टू -∞ और यहाँ +∞ है, तो -∞ से -2 तक, फिर यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। या फिर इसको एक और लिखने का तरीका है, एक्स का वैल्यू -2 से छोटा है ना, तो एक्स इज लेस देन -2 और 2 से बड़ा है तो आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन 2। मतलब x का एक वैल्यू -2 से छोटा है और एक x का वैल्यू 2 से बड़ा है। तो ऐसे हम लोग आंसर्स पे अप्रोच करते हैं, इस तरह से हम लोग आंसर को लिखते हैं। अरे बात समझ में, तो इस तरह से ये बेसिक हमारा लास्ट लेक्चर्स का थोड़ा अप्रोच है कि कैसे अगर हम लोग को इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। अब आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, सो ध्यान से देखिएगा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इज मॉड एक्स -1 बाई मॉड एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से क्या करना है ना कि अब इस क्वेश्चन में आप स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कब लगा रहे थे हम लोग, अब याद होना चाहिए, एक्स -2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो कहीं 5 लिखा हुआ है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दिया होता है मॉड्यूलस में, तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सेकेंड मेथड जो हम जो सीखे थे वो ये था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आप a² - b² वाला फॉर्म लगा रहे थे, उससे आपका x का वैल्यू निकल के आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे पूरा टर्म मॉडुलस में नहीं है। अगर ये पूरा टर्म इस तरह से मॉड में होता, ठीक है, अगर ये पूरा मॉडुलस में होता, तब आप ये स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये पूरा मॉड्यूलस में नहीं है तो हम लोग इसमें स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, देखो क्या है, इस तरह से यहाँ पे मॉड एक्स -1 बाई मॉड एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, तो आप क्या करना, लेट मॉड एक्स का वैल्यू आप कुछ अलग से वैल्यू पुट कर लो, कोई अलग सा वेरिएबल आप पुट कर लो, जैसे मॉड एक्स को हम टी मान लेते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो जब आप टी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी -1 बाई टी -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इससे क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, कैसे करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1 हो जाएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट 2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस और फिर यहाँ पे प्लस, और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर में पॉजिटिव वाला आंसर हो गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा और फिर ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप आंसर क्या बोलेंगे, आपका आंसर लिखेंगे आप टी बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 तक, देखिए 1 हो सकता है बिकॉज इक्वल टू है तो 1 आंसर का पार्ट होगा, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 पे ओपन रहेगा बिकॉज ये नीचे आप डिनोमीटर में 0 नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब क्या ना, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जो t निकला है ये t का वैल्यू 1 से छोटा है, लेस देन 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको टी लेस देन 1, टी 1 से छोटा है और टी इज ग्रेटर देन 2, टी 2 से बड़ा है, ठीक है, टी 1 से छोटा है और टी 2 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, टी का वैल्यू आप क्या माने थे,
टी का वैल्यू आप मॉड एक्स माने थे, तो क्या हो जाएगा ये मॉड एक्स लेस देन वन और मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, ऐसा होता है मॉड एक्स का वैल्यू वन से छोटा और मॉड एक्स का वैल्यू टू से बड़ा। अब इसमें क्या है देखो, अब यहाँ से हम लोग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तुरंत जो रिवाइज किए थे, ये माइनस वन और यहाँ वन, लेस देन का साइन है मतलब एक इंटरवल हो जाएगा बीच वाला। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला आपको माइनस वन से लेके वन तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन इसमें आपका वन इंक्लूडेड है ना, तो इक्वल टू का साइन भी था, तो इसका मतलब हो गया कि ये भी होगा आंसर में, ये भी होगा, तो ये हो गया ठीक है। फिर यहाँ पे और अब इसका मतलब क्या होगा, टू से बड़ा मतलब हो गया, यहाँ माइनस टू और यहाँ प्लस टू, ये प्लस माइनस और ये प्लस, अब आपका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर में इधर वाला आंसर हो जाएगा और ये इधर वाला आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक और इक्वल टू का साइन नहीं है ना, और फिर यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी तक ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। और देखो यहाँ पे आपका जो आंसर चल रहा था इसमें और चल रहा था और होना भी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ठीक है। तो देखो जब हम लोग ऐसे इन इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट में जहाँ जहाँ और यूज़ कर रहे हैं ना, जब हम अब क्या करेंगे, मेरा एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक ही क्वेश्चन का दो दो आंसर इस तरह से मिल रहा है, तो आप आंसर को कंबाइंड करेंगे। इससे पहले जो हम लोग सीखे थे लास्ट लेक्चर में, वहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन जब मिलता था तब हम लोग अलग अलग इक्वेशन का आंसर निकाल के दोनों को कंबाइंड कर देते थे, मतलब कॉमन पोर्शन ढूंढते थे कि कौन सा पोर्शन है जहाँ पे दोनों आंसर मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का दो अलग अलग केस बना है, केस वन और केस टू। तो जब ऐसा होगा केस लेके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो फाइनली आंसर आएगा दो या तीन जितना भी, सारा आंसर को आपको कंबाइंड करना है यूनियन के साथ, मतलब एडअप कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, आप आंसर ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके वन तक, ये फिर और का मतलब यूनियन, और फिर यहाँ से ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक, एंड फिर यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी तक ठीक है। दिस इज योर फाइनली आंसर, ये हो जाएगा आपका ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप ठीक है, नोट करिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो जो लोग नोट कर लिए हैं तब तक इस क्वेश्चन पे आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन पे अप्रोच लगाइए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखो कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसके आरएचएस में देखो आप वन दिया हुआ है, बट आपको पता है कि आरएचएस में जब क्वेश्चन में जीरो हो जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, आरएचएस में जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। तो जीरो कैसे बनाएंगे, इधर वाला जो टर्म है इसको उठा के इधर लेकर के आना पड़ेगा आपको ठीक है। तो क्या होगा, माइनस वन बाई मॉड एक्स माइनस टू, ये वन इधर आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये ठीक है। फिर एलसीएम लेंगे आप तो दिस इज मॉड एक्स माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन, ये माइनस से ये वाला टर्म पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मॉड एक्स प्लस टू बन जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। तो दिस इज माइनस मॉड एक्स प्लस वन और बाई मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो मॉड एक्स माइनस वन बाई मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस वन बाई मॉड एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जीरो ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन उसी तरह का हो गया जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्या करेंगे आप, फिर से मॉड एक्स को अब मान लेना टी, तो हो जाएगा टी माइनस वन बाई टी माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, देन आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट वन और यहाँ टू, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस, अब लेस देन का साइन दिया हुआ है तो लेस देन मतलब हो गया नेगेटिव पोर्शन वाला आंसर। तो यहाँ से क्या मिला आपको, टी बिलोंग्स टू वन से लेके टू तक, ये मिला। इसमें भी देखो आप वन इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज इक्वल टू का साइन है ठीक है, ये सब चीज़ मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। वन जो होगा आंसर का पार्ट होगा, टू आंसर का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि
अगर 2 लेंगे तो फिर डिनोमेटर में 0 मिल जाएगा। तो ये t का वैल्यू मिला, लेकिन t का वैल्यू हमको नहीं फाइंड करना। अच्छा ये पता, इससे क्या पता चल रहा है हमको, इससे ये पता चल रहा है कि t बिलोंग्स टू 1, 2। इसका मतलब हो गया कि t का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। देखो 2 से छोटा और 1 से बड़ा है, इक्वल टू है उन पर, 2 भी इक्वल टू नहीं। अब यहाँ पे जो t का वैल्यू है आपका, वो t का वैल्यू आप क्या माने हैं आप, मॉड x। तो इसका मतलब मॉड x का वैल्यू 2 से छोटा है और यहाँ 1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आया। लेकिन आपको तो फाइंड करना है x का वैल्यू, मॉड x निकला ना अभी, तो आप x कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको मिला है मॉड x लेस देन 2 और ये 1 से लेस। अब इसमें क्या करना है आपको, x क्योंकि फाइंड करना है, तो एक आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर एक पार्ट यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x और मॉड x लेस देन 2। ठीक है, ये दो पोर्शन हो जाएगा आंसर का। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये तो हो जाएगा मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा मॉड x लेस देन 2। चलो आप इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, करिए, हम वेट करते हैं तब तक। हुआ सॉल्व? चलिए, मॉड x का वैल्यू 1 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, चलिए देख लेते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे 1, ग्रेटर का साइन है, मतलब इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, मतलब यहाँ से x का वैल्यू मिला -1, दिस इज फ्रॉम -∞ से -1 तक और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें भी आप देखो 1 ये वाला पोर्शन हो जाएगा, 1 आएगा आंसर का पार्ट होगा ये, और ये वाला 1 भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका भी सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिल रहा है ये। इसको जब सॉल्व करते हैं, मॉड x का वैल्यू लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू -2 से लेके 2 तक बिलोंग कर रहा होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आंसर मिला, ये सेकंड पार्ट मिला। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे कि इसको जब दो पार्ट में अलग अलग कर देते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, फिर जो आंसर मिलता है उस आंसर को हम लोग कॉमन पोर्शन निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞ है, क्रिटिकल पॉइंट एक -1 मिला है, उसके पहले क्रिटिकल पॉइंट -2 भी मिला है, ये -2, फिर यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे 2 है। अब क्या है, देखो ये आंसर क्या बोल रहा है, -∞ से -1 तक, मतलब इधर वाला पोर्शन, और ये 1 से इन्फिनिटी तक इधर वाला पोर्शन पूरा। फिर ये आंसर क्या बोल रहा है, ये बोलता है -2 से लेके 2 तक रहने के लिए, यहाँ से यहाँ तक। तो आपका कॉमन पोर्शन कौन सा मिला, ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया, ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 और फिर यूनियन 1 से लेके 2 तक। अब आप डिसाइड करो कौन सा आंसर होगा, तो आपको पता है -1 आंसर का पार्ट था और 1 भी पार्ट था, तो आप इसको आप रखेंगे आंसर के पार्ट में। ठीक है, और -2 और 2 तो होगा नहीं, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया, देख लीजिए एक बार कैसे बनाया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं तब तक, अब इसको नोट करो। 2/(x-4) मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशन को यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए सॉल्व। देखो पूरा मॉड दिया है ना इस बार, तो जब पूरा मॉड दे देगा तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड का यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यूज़ करने से पहले एक पहले देखते हैं कि इसको अलग तरीका से बना सकते हैं, बहुत ईजी होगा बनाना। देखो इस तरह से, क्यों मॉड्यूलस जो लगा हुआ है, ये मॉड्यूलस ऊपर में भी मॉड में जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का मॉड्यूलस और बाई x-4 का मॉड्यूलस, पूरा मॉड हो गया, अलग अलग में कर दिए, ग्रेटर देन 1। अब आप देखना 2 का मॉड क्या होता है, 2। ठीक है, 2 का मॉड्यूलस 2 होता है, तो आप ऊपर में 2 लिख लो, नीचे x-4 मॉड में लिखो, ग्रेटर देन 1 लिखो। अब आप 2 को यहाँ भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 2 इज़ पॉजिटिव नंबर, इसको इधर भेजने से साइन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो अगर ऐसा होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि ये वाला टर्म जो दिख रहा है ये मॉड्यूलस के अंदर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, आप इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं थोड़ा जा करके। क्योंकि देखो ये मॉड्यूलस के अंदर x का वैल्यू कुछ भी हो,
लेकिन आपको फाइनली मॉडुलस से बाहर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। और क्योंकि आप श्योर हैं कि पॉजिटिव नंबर है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से साइन में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस फोर मॉडुलस और ये 2 यहाँ आ जाएगा और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला गया और ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देख लो एक बार, x माइनस फोर अगर यहाँ आ जाता है और अगर 2 यहाँ आ जाता है तो इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन x माइनस फोर का मॉडुलस, मतलब x माइनस फोर इज लेस देन 2, ठीक है। आप देखना थोड़ा दिमाग लगाना, खुद से हो जाएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और या फिर अलग तरीका भी है। तरीका क्या है, अगर ऐसा होता है तो ये माइनस टू ये प्लस टू, ठीक है, और लेस देन का साइन है तो ये बीच वाला पोर्शन। तो ये जो आंसर माइनस टू से लेके टू तक मिला ये किसका वैल्यू है, ये एक्स माइनस फोर का वैल्यू मिला, टू से छोटा और माइनस टू से बड़ा। इसमें भी आपका इक्वल टू का साइन कहीं नहीं है तो ऐसा ही होगा सिंपल। अगर यहाँ x होता तो आप बोलते हैं x का वैल्यू माइनस टू से टू के बीच में, अगर x माइनस फोर है तो x माइनस फोर का वैल्यू माइनस टू से टू के बीच में। अब आप माइनस फोर को उधर भी भेज दो इधर भी भेज दो, तो माइनस टू प्लस फोर और यहाँ पे टू प्लस फोर, तो ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा सिक्स, मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, टू से लेके सिक्स तक हो गया और ये ओपन ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ में आया, ठीक है। चलिए अप्रोच करिए इस पे, देखिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा, x प्लस थ्री प्लस एक्स बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। देखो राइट साइड में आपका वन दिख रहा है और आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकॉज आप एक्स के बारे में श्योर नहीं है और मॉड तो लगा है नहीं, तो वी कैन नॉट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका भी नहीं कर सकते हैं। ये हमको पता है कि ये पॉजिटिव है बट इसके बारे में तो आइडिया नहीं ना। मान लो अगर इसका वैल्यू टू है, इसका वैल्यू माइनस फाइव है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को क्रॉस करेंगे तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव और साइन चेंज नहीं होगा तो बिकॉज आप साइन के आप इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, देयरफॉर वी कैन नॉट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय टेकिंग टू केसेस लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा आप, बताओ एक डेफिनेशन बताए थे आपको कि मॉड एक्स का वैल्यू दो होता है, एक एक्स जब एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है और एक माइनस एक्स जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होता है, ठीक है। वही बताया ना, उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये मॉड के अंदर x प्लस थ्री लिखा है, आप खुद सोचो अगर यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x लिखा हुआ था तो यहाँ x ग्रेटर देन जीरो लिखा है, यहाँ x लिखा है। अगर यहाँ पे अल्फा होता तो आप यहाँ अल्फा लिखते और यहाँ भी अल्फा लिखते, सब जगह अल्फा हो जाता। अगर यहाँ पे x प्लस वन होता तो यहाँ पे क्या लिखते आप x प्लस वन और यहाँ भी क्या लिखते आप x प्लस वन, मतलब हर जगह x प्लस वन हो जाता। तो अगर ये अंदर वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा तो सिंपल एक्स प्लस वन मिलेगा, और अगर ये इसका वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो इसी वैल्यू के पहले माइनस का साइन लग जाएगा, मतलब एक्स प्लस वन के पहले माइनस का साइन लग जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ रहेगा उसके पहले एक साइन लग जाएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे होता है तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम दो केस लेंगे। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, एक केस वन यहाँ पे लेते हैं, एक केस वन हो गया और यहाँ पे एक दूसरा केस लेते हैं, दिस इज केस टू। अब ध्यान दीजिएगा दो केस लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा केस वन से और केस टू से दोनों आंसर को कंबाइंड करना है, कॉमन पोर्शन नहीं ढूंढना है आपको, आपको दोनों आंसर को एडअप कर देना है, मिला के लिखना है दोनों को, ठीक है। तो चलिए देखिए केस वन क्या कर रहे हैं, एक में हम अभी मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम एक केस वन ले रहे हैं कि ये वाला वैल्यू x प्लस थ्री का वैल्यू, x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से बड़ा है। अगर x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो बताओ, अगर अभी जैसे यहाँ पे हम लोग यूज किए थे ना कि मॉड x का वैल्यू दो होता है, x का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा तो आप आंसर क्या लिखते हैं, सीधा x।
तो अगर x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो आप इस मॉड्यूलस को हटा के सिंपली क्या लिखेंगे, x प्लस थ्री, कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले से यहाँ पे x बैठा हुआ है और यहाँ नीचे में x प्लस टू है और यहाँ ग्रेटर देन वन है, ठीक है। ये फर्स्ट केस का कहानी हुआ, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में आप क्या मानेंगे कि x प्लस थ्री का जो वैल्यू यहाँ मॉड में दिख रहा है वो वैल्यू लेस देन जीरो है। अगर x प्लस थ्री का वैल्यू लेस देन जीरो होगा तो मॉडुलस के बाहर आपका क्या मिलेगा, माइनस के साथ खुलेगा, ये माइनस टाइम्स x प्लस थ्री और बाकी प्लस x और बाई x प्लस टू ग्रेटर देन वन हो जाएगा। समझ में आया, एक केस में क्या किए, x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से बड़ा लिए, एक केस में x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से छोटा लिए। जब छोटा लेंगे तो इसके पहले माइनस का साइन लग जाएगा, अगर बड़ा लेंगे तो इसके वैल्यू इसके पहले आपका जो है प्लस का साइन लग गया, ठीक है। अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स टू एक्स, दिस इज टू एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, वन को आपको इधर लाना पड़ेगा तो टू एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इज टू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस टू बाई दिस इज एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन दिस इज माइनस वन दिस इज माइनस टू, सॉरी पहले माइनस टू होगा और फिर माइनस वन होगा। अब आपका ग्रेटर का साइन है तो इधर वाला पोर्शन हो गया और इधर वाला पोर्शन हो गया, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक और यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी तक। इसमें भी आप देख लो कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपको कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, कुछ नहीं सोचना है इसमें आपको। चलिए ये वाला पार्ट हो गया, नाउ सॉल्व दिस पार्ट, इसको क्या सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, ये हो गया माइनस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन, दिस इज ये एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन। माइनस थ्री को आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, देखो माइनस थ्री आपको पता है ना कि ये माइनस में है तो आप इसको इधर भेज दो और साइन भी चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये वन बाई एक्स प्लस टू हो जाएगा और ये लेस देन माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, माइनस वन बाई थ्री को आप इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है। जब इसको आप इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन बाई एक्स प्लस टू प्लस वन बाई थ्री लेस देन जीरो, देन दिस इज थ्री टाइम्स एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू यहाँ पे थ्री प्लस यहाँ थ्री रहेगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको तब तक, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप प्लेस नहीं है कहीं पे, सॉल्व करते हैं इसको यहीं पे देख लेते हैं। देखो पहले काम करते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं यहाँ से कट करके। तो सबसे पहले एलिमिनेट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप, हम लोग जब इसको स्टार्ट किए थे बनाना तो यहाँ पे हम लोग एक केस में सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन लिए थे कि x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा। अब x प्लस थ्री का वैल्यू जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा, इसको उधर भेज दो आप, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब x का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए और यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो यहाँ आंसर जो आपको मिला है, यहाँ पे आपको आंसर में क्या मिला है, यहाँ मिला है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक फिर माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन पहले ही बोला गया है कि एक्स का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए। तो माइनस थ्री कहाँ है, माइनस थ्री कहीं यहाँ होगा, तो इधर से आपको आंसर जो भी सेलेक्ट करना है इधर वाला ही आप आंसर सेलेक्ट करेंगे, माइनस थ्री से ग्रेटर वाला, इधर से कट करके इधर वाला पोर्शन हट जाएगा। तो अब अगर आपका आंसर आप लिखेंगे इसको तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, आप लिख रहे थे पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, लेकिन अब आप लिखेंगे माइनस थ्री से माइनस टू तक, क्योंकि उधर वाला आंसर तो कट चुका है क्योंकि पहले ही कंडीशन में बोल दिया गया था कि ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप माइनस इन्फिनिटी यहाँ ना लिख करके माइनस थ्री लेंगे, ठीक है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको इरेज करेंगे, हम सोचे थे इसको बाद में बताएंगे, मतलब प्लेस रहेगा तो लास्ट में, बट ये प्लेस की वजह से अभी बताना पड़ रहा है। तो क्या होगा, माइनस थ्री से माइनस टू और फिर माइनस वन, सॉरी दिस इज फ्रॉम माइनस वन से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप चेक कर लो कि माइनस थ्री आप आंसर में ले सकते हैं कि नहीं, कैन यू इंक्लूड द आंसर और नॉट।
तो अगर माइनस थ्री आप यहाँ पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन दिस इज माइनस टू, माइनस थ्री माइनस प्लस टू दिस इज माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस में आ गया, पॉजिटिव आंसर सही है। तो इसका मतलब कि आप माइनस थ्री आपका आंसर का पार्ट हो सकता है, डन। तो चलिए एक आंसर मेरा यहाँ से मिल गया, आप इसको अच्छे से नोट करना ठीक है। उसके बाद लेट मी रेज दिस, ये अब मैं हटाता हूँ ठीक है यहाँ से। चलो हमारा आंसर जो मिला है वो आंसर अभी हम इसको रखते हैं ठीक है। दिस इज आवर आंसर और उसके बाद हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसको, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव हो जाएगा थ्री प्लस टू और बाई यहाँ पे x प्लस टू और थ्री को आप उधर भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम, दिस इज जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वन सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। दिस इज माइनस फाइव और एक बार माइनस टू, प्लस माइनस प्लस लेस देन जीरो है मतलब ये वाला आंसर हो गया, मतलब x का वैल्यू बिलोंग करेगा माइनस फाइव से लेके माइनस टू तक, और क्योंकि लेस देन का इक्वल टू मतलब नहीं है इसमें, तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा माइनस फाइव से माइनस टू तक ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ से यहाँ मिल गया, एक आंसर ये मिल गया। अब आपको आंसर को क्या करना है, कंबाइंड करना है। तो देखो आप क्या करेंगे, बड़ा सा नंबर लाइन प्लॉट करो, आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोकेट कर दो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला, एक सबसे छोटा माइनस फाइव, देन माइनस थ्री, देन माइनस टू और फिर माइनस वन, और फिर तो आपको पता है इधर इन्फिनिटी है और इधर माइनस इन्फिनिटी है ठीक है। अब आप देखें ये आंसर क्या बोला, माइनस फाइव से टू तक ठीक है। ये आंसर क्या बोला, माइनस थ्री से माइनस टू तक। फिर ये आंसर क्या बोला, माइनस वन से इन्फिनिटी तक पूरा इधर ठीक है। अब आपको आंसर लिखना है, आंसर आप ऐसे लिखेंगे ताकि जो जो यहाँ दिख रहा है सारा आंसर में आ जाना चाहिए। तो फाइनली आंसर क्या होगा, x belongs to, आप माइनस फाइव से माइनस थ्री फिर माइनस थ्री से माइनस टू बोलेंगे, उससे अच्छा है डायरेक्ट माइनस फाइव से लेके माइनस टू तक बोल दो, माइनस फाइव से माइनस टू तक। अब आप चेक करो, माइनस फाइव तो आपके आंसर का पार्ट है नहीं, माइनस टू भी आपके आंसर का पार्ट नहीं है, फिर यूनियन। अब देखो आप इसको लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज ये तो इसी में आ चुका है। अब आप लिखेंगे माइनस वन से इन्फिनिटी तक, माइनस वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, माइनस फाइव से माइनस टू और फिर माइनस वन से इन्फिनिटी तक ठीक है। सॉल्व करो इसको बहुत बढ़िया से ठीक है, दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। माइनस फाइव से माइनस टू, माइनस वन से इन्फिनिटी, राइट आंसर ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेगा, यू हैव टू डू इट। चलिए क्वेश्चन आप लिखिएगा, एक्स माइनस वन मॉड्यूलस फिर प्लस x माइनस टू मॉड्यूलस एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ठीक है। ये आपका हो गया, इसको सॉल्व करना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना जनरली एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी क्या हमेशा, मतलब इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूलस वाले कॉन्सेप्ट से। तो x माइनस वन मॉड्यूलस प्लस x माइनस टू मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू फोर दिया है, इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा ध्यान से समझिएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो आप, फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, दोनों का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, वन, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, टू ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना प्लस माइनस नहीं करना है, अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है। देखिए चलिए पहले यहाँ से हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं, टू से ग्रेटर कोई आप नंबर सोचो ठीक है। टू से ग्रेटर आपको एक नंबर सोचना है, मतलब यहाँ पे तीन रीजन है। चलो एक काम करते हैं, दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकेंड रीजन एंड दिस इज योर थर्ड रीजन, मतलब यहाँ पे टोटल तीन केस बनेगा। दिस इज योर केस वन, देन केस टू एंड देन केस थ्री ठीक है। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय टेकिंग थ्री केस बिकॉज यहाँ पे थ्री रीजन आपको मिल रहा है। पहला केस क्या बना कि एक्स का वैल्यू आप वन से छोटा लेके चलो, एक्स का वैल्यू वन से छोटा लेके चले ठीक है। इसमें क्या लेके चलेंगे आप, x का वैल्यू टू से छोटा और वन से बड़ा
ठीक है। और थर्ड वाले केस में आप x का वैल्यू क्या लेंगे, 2 से ग्रेटर लेंगे, 2 से बड़ा। इसमें भी देखो आप यहाँ पे 1 इंक्लूड कर लो तो यहाँ मत करना इंक्लूड, यहाँ 2 इंक्लूड कर लो तो यहाँ मत करना, मतलब एक बार सारा चीज इंक्लूडेड रहेगा वन टाइम। अब देखो x का वैल्यू जब आप इस पे ना तीन तीन पोर्शन में बना चुके हैं, इसको एक लाइन यहाँ से खींच दी है, क्वेश्चन को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग और तीनों पार्ट को सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर को मिला देंगे। तो देखिए x का वैल्यू 1 से छोटा, अब आप x का वैल्यू 1 से छोटा पुट करेंगे इसमें भी और इसमें भी और देखेंगे नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। 1 से छोटा आप कोई नंबर उठाओ पहले, 1 से छोटा 0, 0 माइनस 1 क्या मिला आपको, माइनस 1, मतलब ये हुआ कि 1 से छोटा कोई भी नंबर रखते हैं तो जो अंदर वाला दिख रहा है मॉड्यूलस के अंदर जो टर्म दिख रहा है ये आपको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को कैसे खोलते थे, उसके पहले माइनस का साइन लगा करके, तो आपका जो x माइनस 1 है उसके पहले ऐसे हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस के साथ खुलेगा ये, ठीक है। अब 1 से छोटा जो आप 0 रखे थे इसमें भी आप रखो, वही चीज़ जो इसमें रखे थे आप वही चीज़ में भी रखना है, तो 0 माइनस 2 क्या मिलेगा, माइनस 2, फिर से नेगेटिव मिला। तो जैसे ही मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नंबर मिलता है तो जब मॉड्यूलस आप हटाते हैं तो उसके पहले एक माइनस का साइन लगाते हैं, तो आपको क्या करना है जो फंक्शन दिया है वही लिखना है आपको, x माइनस 2 लिखना है बट उसके पहले माइनस का साइन लगाना है, और क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 हो गया, मतलब x का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 से छोटा। अब यहाँ आते हैं 1 और 2 के बीच में आप कोई नंबर उठाओ, पहले 1 और 2 के बीच में एक नंबर सोचो आप, 1.5 यहाँ रखो आप, 1.5 यहाँ रखेंगे तो 1.5 माइनस 1 0.5 पॉजिटिव नंबर मिला, तो जब पॉजिटिव नंबर मिला तो इसका मतलब मॉड्यूलस के अंदर जब पॉजिटिव नंबर होता है तो आप मॉड्यूलस से बाहर जब उसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सिंपली प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, तो x माइनस 1 लिखेंगे आप। मतलब ये कि अगर मान लो मॉड x में अगर कुछ भी रहेगा, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो आप सीधा x लिखेंगे, और अगर ये नेगेटिव होगा तो आप उसके पहले माइनस लगा देते हैं, तो वही काम यहाँ भी चेक कर रहे हैं और चेक करके वैल्यू रख रहे हैं। फिर आप वही 1.5 जो आप रखे थे इसमें भी रखो आप, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5 मिला, नेगेटिव मिला, तो आप क्या करेंगे इसके पहले माइनस का साइन लगा देंगे और मॉड हट जाएगा, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2 लिख दिए। अब यहाँ पे x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो 1 का वैल्यू 2 से छोटा होता है क्या, ऑफकोर्स होता है, तो यहाँ से आपको कोई x का वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस एक ऐसे ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिला, यहाँ से आपका कुछ x का वैल्यू कुछ पता नहीं चल रहा, तो एक हमारे आंसर में कुछ इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वहाँ आते हैं 2 से ग्रेटर कोई नंबर सोचो आप, तो 2 से बड़ा कोई नंबर क्या हो सकता है, 4 रखते हैं, 4 माइनस 1 क्या मिलेगा, 3 पॉजिटिव मिला, मतलब सिंपली आप x माइनस 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 वही नंबर रखो आप, 4 माइनस 2 क्या मिलेगा, 2 फिर से पॉजिटिव मिला, तो फिर से आप सिंपली x माइनस 2 लिखेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो 4 लिखेंगे, x प्लस x 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, दिस इज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बाई 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तीन तीन आंसर मिला, अब आप क्या करेंगे, फाइनली आंसर को कंबाइन करने वाले हैं, तो चलिए आंसर को कंबाइन करते हैं। पहले आप क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, एक बोला माइनस 1 बाई 2 से छोटा और एक बोला 7 बाई 2 से बड़ा, ये तो आंसर का पार्ट है ही नहीं, इसको आप छोड़ दो, इसमें तो x का कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपका ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये पूरा रियल नंबर ही कह दिया। तो फिर क्या हो गया, यहाँ से माइनस 1 बाई 2 और ये 7 बाई 2, अब ये बोला कि माइनस 1 बाई 2 से छोटा रहना चाहिए तो इधर होना चाहिए, ये बोला 7 बाई 2 से बड़ा होना चाहिए इधर रहना चाहिए, तो फिर आंसर क्या हुआ आपका, आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, ठीक है, और इसमें भी देखो इक्वल टू का साइन है तो ये वाला आंसर का पार्ट हो गया, और यूनियन 7 बाई 2 से लेके इन्फिनिटी और यहाँ पे 7 बाई 2 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, और इस तरह से हम लोग को आंसर लिखना है। अब ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे कॉमन आंसर नहीं निकाले हैं, कॉमन नहीं फाइंड करना, अगर कॉमन आप देखेंगे तो आपको तो 5 मिलेगा, नथिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ कॉमन है आप, क्योंकि तीन तीन केस लेके क्वेश्चन को जब केस लेके सॉल्व करते हैं ना तो आंसर सारा आंसर को एक साथ मैच कर कंबाइन कर देते हैं, तो ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, यूनियन के साथ आपको लिखना है ये, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
इसी तरह से अगर मान लीजिए आप ये पार्ट में अगर यहाँ पे और होता, अगर x माइनस थ्री मॉड ग्रेटर इक्वल टू फोर होता, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन होता ना, तो आपका एक केस और बढ़ जाता, चार केस हो जाता। तो फिर आप चारों को सॉल्व करते इसी तरीका से और फिर चारों आंसर को कंबाइन कर देते, ठीक है। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग आज इसको फिनिश करते हैं। अगले क्लास में नेक्स्ट टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और बेसिकली हम लोग वहाँ अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड, कि ग्राफिकली हम लोग कैसे लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग एनालिटिकल मेथड समझ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत रेयरली वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है लीनियर इक्वेशन का, बट वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे और फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अप्रॉक्स आई थिंक दो लेक्चर और होना चाहिए ऐसे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वन मोर क्लास लगे और वन मोर क्लास में खत्म हो जाए, बट अगर नहीं हो पाए तो फिर दो लेक्चर हम लोग और लेंगे इसमें, ठीक है।